आज फिर से नमक डालना भूल गया। तुमसे कितनी बार कहा है मत आया करो, क्यों आए हो? आपकी याद आ रही थी। सब बहाने हैं। ऐसे क्यों लगता है आपको? मेरी इतनी फिक्र होती तो यहां से जाते नहीं। तो थर्ड शेल्फ फ्रॉम द टॉप, वही रखा करती थी नानी नमक। वक्त के साथ कुछ चीजें अपनी जगह बदल लेती हैं यहां। जैसे कि तुमने बदल ले। As if I had an option. मैं लाचार था। तुम जिद्दी थे। तुम्हें हर वो चीज करने में मजा आता था जिसमें मेरी रजामंदी नहीं होती थी। वैसे कौन से बातों में आपकी रजामंदी होती थी? स्विमिंग करने मत जाओ, डूब जाओगे। आचार मत खाना, गला खराब हो जाएगा। मेले में मत जाओ, खो जाओगे। हर बात में रोक टोक। मुझे लगता था मुझसे दूर रहोगे तो तुम बदल जाओगे, पर लगता है असर सिर्फ मुझ पर ही हुआ है। तुम वापस लौट जाओ, तुम्हारी मां इंतजार कर रही होगी। उन्होंने ही भेजा है मुझे। वो नहीं चाहती कि आप पर कोई दाग लगे। She misses you a lot. सब बहाने हैं बेटा। वो खुद क्यों नहीं आई मिलने अगर मुझे इतना याद करती है तो? डरती है आपसे, आपके गुस्से से, आपकी मोहब्बत से। कहीं आप उनके लिए सब कुछ छोड़ ना दें जैसे आपने कुछ साल पहले छोड़ दिया था। उसे क्या लगता है मैं भूल जाऊंगा उसे? यहां अकेला कब तक रहूंगा मैं? मेरी खुशी तुम लोगों के साथ रहने में है। आप अपने लिए खुशियां यहां भी ढूंढ सकते। और वैसे भी हम नहीं चाहते आप हमारे पास आए। और मेरी चाहत का क्या? हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी? तुम अपनी मां के पास जाओ, मैं रात को वहीं मिलूंगा तुम्हें। कहां जा रहे हो? एक अधूरा काम पूरा करें। हर काम पूरा करना जरूरी होता है क्या? हर बात पे सवाल करना जरूरी है। मत जाइए ना, आपको पता ना आप जो करने जा रहे हो वो गलत है। वो ना ही आपके लिए सही है, ना ही हमारे लिए। मत जाइए। क्यों मुझे कमजोर कर रहे हैं? हम जब तक कमजोर होते रहेंगे तब तक मरते रहेंगे। आए दिन लोग मर रहे हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि वो कमजोर है। और कमजोर लोग अपने ऊपर हुए जुल्म का बदला लेना नहीं जानते। और मैं कमजोर नहीं हूं। तुम्हारा पापा कमजोर नहीं है ना? समझ भी तो नहीं है ना? आपको क्या लगता है आपके बदला लेने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपके इस एक कदम से हम पर जुल्म होना बंद हो जाएंगे? बंद नहीं भी होंगे तो कम जरूर हो जाएंगे। अगली बार ये लोग कुछ करने से पहले 100 बार सोचेंगे। कोई भी 100 बार नहीं सोचेगा बाबा, कोई भी 100 बार नहीं सोचेगा। और ये बदले में हमारे लोगों का नुकसान नहीं होगा क्या? हाँ, एक से ज्यादा मजहब के लोग होंगे। बदले का मजहब नहीं होता, लेकिन बदला लेने वाले का तो होता है। तुम्हारी माँ के लिए अपना मजहब छोड़ दिया था सालों पहले। तुम मजहब से पैदा होने वाली नफरत को भी छोड़ दीजिए ना। सवाल मजहबी नफरत का नहीं है, ये तुम भी जानते हो।
सवाल है हर उस दिन का जो मैंने तुम लोगों के बिना गुजारा है। सवाल है हर उस दर्द का जिसका सामना मैंने अकेले किया है। 92 के दंगों के बाद तुम्हारे नाना कभी घर नहीं लौटे। उन्हीं दंगों में मेरी बहन भी मरी थी। 95 में जब तुम्हारी मां से पहली बार मिला था ना बेटा, नफरत करता था मैं हिंदुओं से और वो मुसलमानों से। वो मजहबी नफरत थी। धीरे धीरे तुम्हारी मां पसंद आने लग गई। कॉलेज में 2-4 अच्छी किताबें पढ़ ली और नफरत धीरे धीरे खत्म हो गई। फिर तुम्हारी मां ने जिद की तो उसे अपनाने के लिए मैंने अपना मजहब छोड़ दिया। फिर तुम इस दुनिया में आए तो तुम्हारी नानी ने जिद की कि तुम्हें तुम्हारे नाना का सरनेम दें। मैंने वो जिद भी मंजूर कर दी। फिर तुम बड़े होने लगे और तुमने अपने हिस्से की जिद शुरू कर दी। मैं मानता हूं कि मैं ओवर प्रोटेक्टिव था। मैंने तुम्हें स्विमिंग करने से रोका, फिर भी तुमने स्विमिंग चैंपियनशिप जीती। मेरे लाख मना करने पर भी तुम सोफे पे कूदते रहे और कभी नहीं गिरे। रोज टिफिन में छुप छुप कर अचार ले जाते रहे पर कभी भी तुम्हारा गला खराब नहीं हुआ बेटा। पर मेले में तो खो गए ना तुम। लंबे वक्त के लिए खो गए। तुम्हारी मां, तुम्हारी नानी, तुम सब दुख हो गए। काश उस दिन मेरी बात मान ली होती। अब ऊपर इस सब का बस। सवाल मजहबी नफरत का नहीं है बेटा, सवाल है मेरी जिद का। और मेरी जिद है हर उस इंसान के हिस्से का बदला लेना जो अपना बदला खुद नहीं ले पाया। आज तक सबके हिस्से की जिद मानी है मैंने। अपने हिस्से की एक जिद तो पूरी करने का हक है मुझे। अपने हिस्से की एक जिद तो पूरी करने का हक है। बाबा जीते जी तो आपने हमारी सारी जिद पूरी की है। आज एक आखिरी बार ये आखिरी जिद पूरी कर दीजिए। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जाबलब, मुझे दुआ न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। चराग तू ही बुझा न दे।
मुझे डर है ऐ मेरे चार अगर ये चराग तू ही बुझा।